हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसा यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। हालाँकि ये छत्तीसगढ़ स्टेट की वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए ना ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट रहती है, सैलरी भी बम्पर नंबर की आपको यहाँ पर दी जाती है, अच्छी पैकेज होती है सैलरी की। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के रिगार्डिंग, कि व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बताऊंगी। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना, एग्जाम पैटर्न या सिलेबस थोड़ा आउट रीड करना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट आपका 341 यानी 341 निकल के आया है। पोस्ट है आपका सूबेदार एंड एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का। सूबेदार का एक आपका पोस्ट आया है और एसआई में डिफरेंट टाइप के पोस्ट आए हैं। स्पेशल ब्रांच का है, प्लाटून कमांडर के लिए, अंगुल चिन्ह के लिए है, कंप्यूटर स्पेशल आपका एसआई है, साइबर क्राइम के लिए रहेगा। तो ये अलग अलग जो आपका एसआई का निकल के आया है उसके लिए क्या क्या पोस्ट रहेगा, मेल और फीमेल का कितना है, सारा चीज डिस्क्राइब किया गया है नोटिफिकेशन में, जो कि टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है मैंने, जाके वहां पे आप देख लेना अपने कैटेगरी वाइज क्या सीट है। यहाँ पर बात करें कि वैकेंसी कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्ट होगा, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी CGPSC के थ्रू ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करें अगर किसका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, 23 अक्टूबर यानी 23 अक्टूबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि होगी 21 नवंबर। तो आपको 21 नवंबर तक वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दो, बाद में सर्वर इशू होगी तो आपको बहुत दिक्कत फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि फॉर्म का फी क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट होंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, OBC, SC, ST, सभी कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट किया गया। तो जो छत्तीसगढ़ के जिनका आवासीय है उन लोगों से फॉर्म का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब जैसा कि बताया कि दूसरे राज्य के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे तो उनसे चार्ज लिया जाएगा 400 रुपीज़ यानी 400 रुपया यहाँ पर फी है आपका फॉर्म का। बाकी जो छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट हो आपसे कोई फी नहीं लिया जा रहा है। अब बात करते हैं एज की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो कट ऑफ डेट है ना 1 जनवरी 2024 रहेगा यानी 1 जनवरी 2024। एज की लिमिट क्या है, 21 to 28 यानी 21 वर्ष से 28 वर्ष के सभी बच्चे एलिजिबल है। साथ में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, OBC को 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष का और SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का मिलता है। अब अगर चर्चा करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि क्या होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है ना, अभी तो पोस्ट देख के ही आप समझ गए कि सूबेदार और सब इंस्पेक्टर का है। देखिए, सिंपली आपका ग्रेजुएशन है, बट एज यू ऑल नो कि SI में भी डिफरेंट टाइप के पोस्ट यहाँ पर आए हैं। सिंपली जानिए कि जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सभी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी। सिंपली जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है वो किसी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए, तो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में BSc में कंप्यूटर होना चाहिए या फिर आपने BCA कर रखा हो। बाकी अलग अलग स्पेशल ब्रांच वगैरह का थोड़ा सा ग्रेजुएशन में स्ट्रीम का भी है, तो उतना चीज़ यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। वो सब आप देखोगे किसमें, आप जाके नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे। और सिंपली जानिए कि जो भी स्ट्रीम आपने ले रखा है ग्रेजुएशन में, सभी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक जानकारी, अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर। देखिए,
सिलेक्शन यहाँ पर आपका 4 स्टेज से होने वाला है। पहले स्टेज पर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका प्रीलिम्स होता है, और हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, फिजिकल में ना यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले PST आपका होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट कर लिया जाता है। उसके बाद आपको प्रीलिम्स के लिए यानी कि प्री के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तब जाके आपका क्या होगा, PET यानी आपका जो रनिंग, शॉर्ट पुट, गोला फेंक सब जो होगा, फिर दोबारा से होगा। उसके बाद आपको मेंस की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में जब क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका बेसिक सा इंटरव्यू होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको एज अ सब इंस्पेक्टर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी छत्तीसगढ़ में जॉब करने की। तो चलिए अभी हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले स्टेज पर आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल में PST होता है, ये आपका PST हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका हाइट मेजर होता है और मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजर होता है। तो हाइट की अगर बात करें ना, तो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर यानी 168 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 153 यानी कि 153 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 81 to 86, मतलब 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। तो ये प्रोसेस इतना करने के बाद आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका PET होता है। टोटल जो आपका PET ये होता है ना, 300 मार्क्स का होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर की रेस होती है यानी 100 मीटर की दौड़ होती है, फिर 1500 मीटर की आपकी यानी 1.5 किलोमीटर की रनिंग होती है। ये आपका टोटल कितना, टोटल 5 टाइप का हो गया, 60-60 नंबर का टोटल सेक्शन आपका होता है। ओवरऑल 300 मार्क्स का आपका PET हो जाएगा। PET में क्वालिफाई करने के बाद मेंस की परीक्षा होती है। तो चूंकि यहाँ पर बोर्ड पे उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था और मेंस का एग्जाम बहुत ही यहाँ पे वास्ट सिलेबस है उसका और डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वो भी आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि PST के बाद जो आपका प्रीलिम्स होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में आपका जो है एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से अप्लाई करोगे ना, तो छत्तीसगढ़ में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। किस किस जिला में एग्ज़ाम सेंटर है ये भी आपको लिस्ट दिया गया है, नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे आप, वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। और फिजिकल के लिए भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया गया कि इस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, तो आप उसको देख के ही फॉर्म भरिएगा। फिलहाल हम चर्चा कर ले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर। ऑफलाइन होगी 100 क्वेश्चंस के लिए, विच इज़ फॉर 300 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं आपको। टाइम की अगर बात करूँ तो 2 आवर्स यानी 2 घंटे का है, और निगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया था। तो अगर इससे रिलेटेड मुझे कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सभी को अपडेट कर दूंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जो आपका प्रीलिम्स होता है ना, उसमें जनरल स्टडीज से 35 क्वेश्चंस होते हैं। छत्तीसगढ़ से स्पेशल GK आपका क्या रहता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन, और लास्टली जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा और 10 हिंदी से रहेगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है। इसमें क्वालिफाई करोगे तो PET होगा आपका, और उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जब सब कुछ आप क्लियर करके मेरिट लिस्ट में अपने लिए जगह बना लेते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको सैलरी इसमें बहुत अच्छी मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए सैलरी शुरुआत में आपका 35,400 है, बाद में बढ़ा के 112,400 किया जाएगा। बट एज यू ऑल नो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट होती है, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी शुरू हो जाती है। आफ्टर ट्रेनिंग आपकी जो सैलरी शुरू होती है ये 50,000 से 55,000 के तकरीबन पे शुरू होती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। और साथ ही साथ देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ की भर्ती है, लेकिन ऑल इंडिया के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी अपना एक सीट इसमें अचीव कर लो। आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन है तो अपने सारे क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में आके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।